taking everyone's love remembrances. When I went to offer bhog to Baba, it was very, very beautiful feelings to just go beyond and be with Baba. Then I said, Baba, I brought bhog for you. Many, many souls sent special love also. Baba was giving drishti to all of us. Then I was looking at Baba. Baba says, how long it takes to come to me? I said, sometimes it takes 1 minute. तो मैंने कहा बाबा कभी कभी तो एक मिनट लगता है, कभी थोड़ा ज्यादा भी लगता है. तो बाबा कह रहे थे कि बाबा और आत्मा के बीच में क्या है, प्रकृति है ना, और वो पांच तत्व हैं. तो फिर जैसे शरीर भी है ना पांच तत्वों का, फिर उसके बाद संबंध है, लेकिन हर पांच तत्वों से भी परे जाना, हर चीज से परे जाना, इसमें समय लगना नहीं चाहिए. और ये सच है क्योंकि आज भी आत्मा जैसे बिल्कुल बाबा के पास थी और शरीर की जो स्मृति थी जैसे प्रकृति की, वो बीच में नहीं थी. ऐसे था सिर्फ मैं और बाबा, आत्मा, मैं आत्मा और बाबा. तो बाबा कह रहे थे कि सिर्फ ये नहीं कि मेरे पास ऐसे आना है, इसी रूप में, अलग अलग रूप में भी आ सकते हो, कभी कभी फरिश्ते के रूप में आ सकते हो. तो बाबा हमको अलग अलग हमें स्वमान देते हैं ना, कभी राज ऋषि का, कभी ब्राह्मण का, तो किसी भी स्वरूप में आ सकते हो. तो बाबा दृष्टि भी दे रहे थे और वरदान भी दे रहे थे. तो बाबा ने कहा जो प्रकृति है, ये शरीर, ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि संगम युग पर क्या है, आप अपने शरीर को कैसे यूज करते हो निमित्त रूप में, सेवा के लिए, जिससे कि आप श्रेष्ठ कर्म कर सको. तो शरीर की बहुत जरूरी है ये, लेकिन जितना जितना आप आत्मभिमानी होते हो तो बंधन नहीं होता इस शरीर का. आप बिल्कुल हल्का महसूस करते हो और आप ऐसा महसूस करते हो जैसे लाइट का शरीर हो, फरिश्ता. और ये और ज्यादा ज्यादा अनुभव होता है ना, जैसे हम जितना ज्यादा आत्मभिमानी रहने का अभ्यास करते हैं, उतना ज्यादा हमको ये अभ्यास होता है. तो बाबा कह रहे थे जितना भी आप ये बंधनों को पार करते जाते हो, प्रकृति का, इस तन का बंधन, तो आप क्या अनुभव करोगे, बाबा की सब शक्तियों को अनुभव करोगे, आप बाबा की सब वरदानों को अनुभव करोगे. तो आपका जो मुख्य अभ्यास है वो क्या होना चाहिए कि हम मुक्त हैं इस प्रकृति की, इस तन के बंधनों से मुक्त हैं, पर साथ साथ इस तन का ध्यान भी रखना है. तो बाबा तो इसका यथार्थ उदाहरण है हमारे सामने. उन्होंने कैसे अपने तन को यूज किया और फिर श्री बाबा ने उनके तन को कैसे यूज किया, पर अंत समय तक वो कैसे रहे, उनका शरीर, उनका तन बिल्कुल स्वस्थ रहा. तो मैं बाबा की तरफ देख रही थी कि बाबा हम क्या करें इसके लिए अभी. तो बाबा मुस्कुरा रहे थे. बाबा ने कहा हाँ, आपको बहुत सुंदर सुंदर अनुभव होंगे कि कैसे आप अपने तन को भी यूज कर सकते हो, सिर्फ ज्यादा से ज्यादा फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो, बंधनों से मुक्त अवस्था का अनुभव करो. तो जब आपके पास ऐसी मुक्त अवस्था होगी जिसमें आप प्रकृति से मुक्त होगे, तो बाबा आपको यूज कर पाएगा कैसे, जैसे आप निमित्त हो और इस तन से सेवा कर रहे हो. तो बहुत अच्छा अनुभव था
कि कैसे बाबा हमको इतना मदद करते हैं, कैसा हमें बाबा अभी प्रयोग कर रहे हैं। और फिर बाबा ने कहा कि आजकल बाबा जानते हैं कि हर एक आत्मा बाबा को, हर एक आत्मा को जैसे प्रयोग करना है, अभी उसको यूज करना है, क्योंकि बाबा ने कहा बहुत बहुत कुछ अभी हो रहा है कि जिससे आप में से हर एक को प्यार और शांति की वाइब्रेशन देनी है। दुनिया में ऐसा कुछ हो रहा है, जैसे प्रकृति, प्रकृति को भी पावन बनाना है, पवित्र बनाना है। तो अभी बहुत आपदाएं आएंगी, बहुत सारा शरीर की भी और हमारे चुकतू करने हैं, लेकिन हमको क्या करना है, अभी सब चीजों को पवित्र बनाना है। तो मुझे कैसे बनाना है सबको पवित्र, जैसे बाबा सबको पवित्र बनाते हैं, तो उसके लिए क्या करना है, मेरी वाइब्रेशंस। तो वो सिर्फ इस तन को नहीं पवित्र बनाना, अपना सब प्रकृति को भी। तो अभी सब बेहद की सेवा पर है ना। तो बाबा जैसे हमको वरदान दे रहे थे और हमको याद करा रहे थे कि बंधनों से मुक्त होना है, लेकिन इसको बंधन नहीं समझना तन को, लेकिन इसको सेवा का आधार समझना है और अपनी फरिश्ता स्थिति को भी अनुभव करना है, किसी बंधन के रूप में नहीं, मुक्त अवस्था में, तन का भी बंधन नहीं, किसी भी चीज का बंधन नहीं। और फिर बाबा वरदान देते रहेंगे हमको, बाबा मदद करेंगे हमको ऐसा बनने में, निमित बनने में। तो फिर मैंने बाबा को ये समाचार सुनाया, तो बाबा ने कहा हर आत्मा का परमात्मा से संबंध तो है, तो जो भी होता है वो आत्मा और परमात्मा के बीच में होता है। तो चाहे हम कई बार प्रश्न करते हैं ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, लेकिन बाबा जानते हैं और हर चीज यथार्थ है, हर चीज ठीक है। तो ये मन को शांत रखो, बहुत बहुत शांत रखो, कोई भी प्रश्न नहीं हो, संशय नहीं हो। बाबा ने कहा इस रूप से आप उस आत्मा को भी मदद करते हो ना, और ये आपके लिए भी अच्छा है, शांत रहना, कोई संशय नहीं करना। तो बाबा बिल्कुल शांत हो गए बस कहकर, और दृष्टि दे रहे थे, और फिर मैं वापस आ गई। अच्छा, ओम शांति। सब नंबर वन है कि इस समय नंबर वन हो।
निर्देशों को अच्छा भी लगता है ना? Om Shanti. Await the signals. Imbibe the virtues of sweetness. Avyakt ishare. Sweetness. Madhurta ka gun dharan karo. Inculcation that madhurta aisi vishesh dharna hai jo kadvi dharni ko bhi madhur bana deti hai. आप सभी के बदलने का आधार बाप के दो मधुर बोल है. आप सभी के बदलने का आधार बाबा के दो मधुर बोल है. मीठे बच्चे, तुम मीठी शुद्ध आत्मा हो, तो इन दो मधुर बोल ने ही आपको बदल दिया. मीठी दृष्टि ने बदल दिया. ऐसी ही मधुरता द्वारा औरों को भी मधुर बनाओ. ये मुख मीठा करो. सदा इस मधुरता की सौगात को साथ रखो. इसी से सदा मीठा रहेंगे और मीठा बनाएंगे. ओम शांति. वेलकम टू व्यक्ति परिवार. टुडे इज डे 7. मन मना भव. साइलेंस ऑफ द माइंड. तो आज दिन सातवां है और आज का मन मना भव का हमारा टॉपिक है मन का मौन. अभी हम मोहिनी दीदी से सुनेंगे. Om Shanti. Om Shanti. Most of you must have gone back. आप में से कई तो मधुबन के पुराने दिनों को अनुभव किया होगा ना, जब डबल फॉरेनर्स वहां होते हैं थे और दादी प्रकाश मैंने पूछती थी कि आप सबको क्या खाना है, तो सब कहते थे गुलाब जामुन. जैसे अभी बाबा ने कहा ना कि डबल फॉरेनर्स को गुलाब जामुन बहुत पसंद है. मुझे याद है एक बार कोई ठीक नहीं था, उनके शरीर के आधार पे ठीक नहीं थे,
तो उन्होंने कुछ चीजें मना की थी बनाने के लिए, तो उन्होंने कहा कि कोई भी तली हुई चीज मत बनाना। उन्होंने कहा सब कुछ मना कर सकते पर समोसा नहीं। तो जैसे हम डबल फॉर्नर, जैसे हम आप लोग अगर पीस पे ले जाओगे ना तो हम आपको खिलाएंगे समोसा गुलाब जामुन। तो ये तो देखो बाबा हमको मुस्कुराता देखना चाहते हैं, इसलिए बाबा कहते हैं। तो बाबा की ये भावना है हमारे लिए कि हम सदा मुस्कुराते रहें। तो मन का मौन बहुत जरूरी है सेवा के लिए, मनसा सेवा के लिए, क्योंकि जब हम सेवा करते हैं तो हमारी बैटरी चार्ज होनी चाहिए। और सिर्फ मौन में ही जब हम बाबा के साथ संबंध बनाते हैं, बाबा के साथ जुड़ते हैं, मन बाबा के साथ जुड़ा होता है, शांत होते हैं, बिल्कुल शांत स्थिर, एक साक्षी दृष्टा की तरह, ना कि सिर्फ सूक्ष्म रूप में कैसे होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, ये ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो ये जो गहरा मौन है उससे ना कि सिर्फ हमारी बैटरी चार्ज होती है, परंतु ये साथ साथ कोई भी बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म भी कोई अंश बचा है ना हमारे पुराने संस्कारों का, तो उसको भी मिटा देता है। तो हो सकता है कि हम बड़े बड़े संस्कारों को तो हमने पार कर लिया, बड़े रूप में कोई संस्कार है तो उसको हमने पार कर लिया, लेकिन सूक्ष्म रूप में कुछ ना कुछ सामने आ जाता है। और फिर क्या होता है, हमारे सोच हमारे संकल्प परिवर्तन हो जाते हैं। लेकिन अभी तो ऐसा समय नहीं है ना कि हम वो पुराने संस्कारों को बार बार आने दें, तो वो तो पुराना था, फिर वो पुराने में ही हमको ले जाते हैं, अतीत में ले जाते हैं, और फिर उससे हमारी स्थिति अच्छी नहीं बनती। अभी तो हमको संपूर्णता की स्थिति बनानी है ना। मैं समझती हूँ कि ये बहुत लाभकारी है हमारे लिए कि किसी रूप में हमको ये समझना चाहिए कि कैसे कई लोग बहुत जल्दी जिद में आ जाते हैं, अपने आप को सही सिद्ध करने लग जाते हैं, खुद को सिद्ध करने के लिए जिद करते हैं। तो मैं कहती हूँ ठीक है ना, जो भी है दूसरे का संस्कार उसको स्वीकार करना चाहिए, तो उसके लिए बहस नहीं करना चाहिए। मैं समझती हूँ कि ये बहुत सूक्ष्म संस्कार होता है जो कई आत्माओं का होता है, खुद को सिद्ध करने का। हमको स्वमान में तो रहना है, सबका सम्मान भी करना है। जब सब क्या कहते हैं या किस पे विश्वास करते हैं तो हमें उस पे सम्मान देना है, हमको उसको विश्वास करना है उस पर, और सदा ये महसूस करना है कि हर कोई मदद ही कर रहा है ना किसी रूप में मदद कर रहा है। हर कोई मदद करना चाहता है, सहयोगी बनना चाहता है, हर बाबा का बच्चा निमित्त बनना चाहता है, अच्छे से सेवा करना चाहता है। तो मौन बहुत जरूरी है जिससे कि हम इन अंश को भी मिटा सकें जो पुराने संस्कारों के अंश आ जाते हैं। तो ऐसे नहीं कि फिर से वही पुराने जैसा बन जाए, नहीं, अंदर में हमको महसूस करना चाहिए, विशेष रूप से आजकल, कि कोई कुछ भी सोचता है महसूस करता है तो मुझे जरूरी नहीं है कि हर चीज का उत्तर देना ही है, हर चीज का जवाब देना ही है। तो बहुत सुंदर साइलेंस को अनुभव करने का हमको कल अभ्यास करना है, जिससे कि जब हम सेवा करें तो हमारे संकल्पों से सेवा हो, और जो बीज हम बोए अपने संकल्पों से बहुत शक्तिशाली हो, संपन्नता का हो, जिससे हमारे जो कर्म हो वो भी बहुत सुंदर हो। तो चिंतन करो अपने मन के मौन पर, उसको कल ध्यान दो उसके ऊपर, और देखो कि कितना लंबा समय तक और कितनी गहराई से और कितनी पवित्रता से आप साइलेंस को अनुभव कर पाते हो, कितनी देर टिकता है वो मौन।
तो जितना ज्यादा आप मौन का अभ्यास करेंगे, जितना निरंतर करेंगे, तो आपका परिवर्तन भी होता जाएगा, तो उससे सत्य परिवर्तन आएगा। तो आप इस चीज को प्रयोग करो, मन के मौन को। अच्छा, ओम शांति। वेलकम टू अव्यक्ति जर्नी। स्वागत है आपका अव्यक्ति यात्रा में। तो अभी हम एंसेस्टर्स की शेयरिंग सुनेंगे, उन्होंने हमसे क्या शेयर किया। तो बाबा ने कहा कि बच्ची अभी ज्ञान में तुम होशियार हो जाओ, है ना। मैंने कहा मैं होशियार हो जाऊंगी। तो मैं वहां पर 2.5 मास रही बाबा के पास में, और बाबा रोज मुझे ज्ञान देता रहता था। बाबा ने मुझे 2 बातें बतलाई। एक बात बाबा ने कही कि देखो बच्ची, सच्चे बाबा के साथ में सदा सच्चा रहना, कभी भी बाबा से झूठ नहीं बोलना, है ना। तो बाबा का वरदान तुम्हें मिलता रहेगा, कुछ भी हो जाए। मैंने कहा ठीक है। और दूसरा बाबा ने कहा कि सदा खुश रहना, कुछ भी होवे ना, तुम्हारा मुस्कुराता हुआ चेहरा जो है ना, वो मुरझाया हुआ नहीं चाहिए। मैं कहा ठीक है। फिर कुछ भी मेरे से भूल होती थी ना, तो मैं जाके बाबा को कहती थी, बाबा ये मेरे से भूल हो गई है, मुझे बचा लो, है ना। कई बार बाबा को आके कहते थे, बाबा आपने इसको सिर पे चलाया हुआ है ना, ये भूल कर देती है। मैं कहा हाँ कर तो देती हूँ, है ना, लेकिन बाबा आप हमें बचा लेना। तो बाबा कहता था अच्छा आज मैं बचा लूंगा, फिर दोबारा तुम भूल नहीं करना। मैं कहा हाँ दोबारा नहीं करूंगी। तो इस तरह से छोटी छोटी भूलें होती थी, है ना, कोई बड़ी नहीं होती थी। किसी को कुछ कह दिया, किसी का कहना नहीं माना, किसी का कुछ, यही बुद्ध। तो इस तरह से यज्ञ के अंदर बाबा हमें रोज कुछ न कुछ प्रोग्राम देता रहता था। तो एक दिन बाबा ने कहा कि तुमको 7 दिन भट्टी में रहना है। तो 7 दिन भट्टी का मतलब यह है एक कमरे में रहना है, जो संदेश पुत्री संदेश लेकर आई वो तुम्हें योग कराएगी, बाबा मामा टाइम पर आकर योग कराएंगे, एक समय पर खाना खाना है। तो मैंने कहा बाबा इतनी सारी लिस्ट जो लिख के दी है ना, वो मैं अकेली कैसे रहूंगी, एक समय कैसे खाना खाऊंगी, मुझे तो दोनों समय भूख लगती है। बाबा ने कहा 2 समय दे दूंगा, पर तुम भट्टी में बैठो। पहला दिन अकेले कमरे में जब मैं भट्टी में बैठी, तो पहला समय तो मेरे को व्यतीत न हो कि कैसे करे, बार बार योग लगाए, फिर बार बार नीचे आए, मैं अकेली हूं, मैं अकेली हूं। अच्छा, फिर बाबा मामा 10:30 बजे मुझे योग कराने आए। उसके बाद में मेरी स्थिति बदल गई, ऐसी स्थिति बदल गई कि जैसे मैं ऊपर परम धाम में बैठी हूँ, सूक्ष्म वतन में बैठी हूँ, और मैं जैसे बिल्कुल लाइट के कार में बैठी हूँ, सिवाय एक बाबा के एक और कहीं मेरी बुद्धि नहीं है, जैसे एकदम शांति में बैठी हूँ। बाबा आवे, योग करावे, योग करा के चला भी जाए, लेकिन मैं उठ नहीं पाती थी,
जैसे बैठी हूँ वहीं बैठी हूँ वहीं बैठी हूँ। 7 दिन मेरे ऐसे व्यतीत हो गए जैसे 7 घंटा व्यतीत हो गए, और मेरी दिल ही ना हो कि मैं इस कमरे से बाहर निकलूं। मैं निकलूं बाहर, बाहर की दुनिया देखूं, फिर मैं अंदर आ जाऊं, फिर मैं निकलूं, फिर मैं देखूं, फिर मैं अंदर आ जाऊं। मुझे किसकी आवाज नहीं अच्छी लगती थी, समझ में नहीं आता था ये क्या कह रहा है। तो 7 दिन में बाबा ने मेरी काया जो है ना पलट दी, मेरी सारी बुद्धि बदल दी। और उस दिन से जो बाबा कहता नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप, जैसे उस दिन से मुझे अनुभव हो गया नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप का, कि जैसे किसी भी बात में किसी भी चीत में मेरी बुद्धि नहीं है, क्या कहते ये मेरी समझ में नहीं आता, जैसे मेरी ऊपर की स्टेज। और कहां भी मेरा लगाव नहीं, झुकाव नहीं, कोई कुछ नहीं। फिर उसके 10 दिन के बाद मुझे वापस लखनऊ जाना था। जब मुझे भेजा तो भी मैं ऐसे जा रही थी जैसे पता नहीं मैं कहाँ जा रही हूँ क्या। जब मैं घर में भी जाके पहुंची तो मैं एक एक को ऐसे देखू जैसे ये पता नहीं कहाँ, ये कौन है, ये मेरे किस जन्म के माता पिता हैं, किस जन्म के संबंधी हैं। मेरी मेरी आंखें बदली हुई, तो वो मेरे को देखे कि ये मेरी लड़की को हुआ क्या है, ये तो जैसे मेरे होती हुई मेरे से दूर है, क्या हो गया इसको। तो ये समझे इसको कोई जादू वादू लग गया है, वो ये समझे जादू उतारने की कोशिश कर रही करे, पर मेरे को तो जो जादू लगा था वो जादू ऐसा थोड़ी था जो उतर जावे, ये तो चढ़ने वाला जादू था। तो मेरे को फॉर्म दिया कि फीस जमा करो अपने कॉलेज में जाके, जब मेरा टर्न आवे मेरे को बाबा कहे जैसे वो कह रहा तुम्हें ये जिस्मानी पढ़ाई पढ़नी है, रूहानी नहीं पढ़नी है, स्वर्ग में नहीं जाना है, फिर मैं फॉर्म उठा के अंदर ले आऊ। रोज कहे तुम्हारे को ही नहीं फॉर्म फीस भराई जाती है, बाकी सब तो लेके चले आते हैं। मैंने कहा मेरे से नहीं होता है, मैं क्या करूं। कहते आज मैं चलता हूँ। वो गए और उन्होंने मेरी फीस भर दी और कॉलेज में दाखिला ले लिया। जब ले लिया तो मैं, मेरा प्रोफेसर मुझे पढ़ावे तो मैं उसकी ओर देखती रहूं, ये आत्मा है, आज मेरा प्रोफेसर बना है, मुझे ये पढ़ाई पढ़ा रहा है, पता नहीं कितनी बार मैंने इसको पढ़ाया हो। तो वो मेरी ओर देखे तो कहते क्या घूर के देख रही हो, नीचे देखो नीचे देखो। मैं आत्मा देख रही हूँ, वो मेरी नजर मिला ही नहीं सकता था ना। ओके नीचे देखो, आंखें नीचे करो, आंखें नीचे करो। तो मैं उसको ऐसे देखती थी, क्या कहता आंखें नीचे करो, क्यों, आत्मा है ये। तो मेरी सारी जो दृष्टि उड़ती थी ना वो आत्मा में टिक गई। कभी माँ को देखूं ये मेरी माँ है, पता नहीं कितनी बार मैं इसकी माँ बनी हूँ, है ना। तो वो मेरी नजर देखे, मेरी वो देखे, तो कहीं इसको क्या हो गया है, क्या। आत्मा का ज्ञान मुझे इतना पक्का इतना पक्का इतना पक्का हो गया उस समय जो आज मुझे नहीं है। बाबा ने मुझे अपना बनाना था ना, तो समय ये बहुत पक्का कर दिया। क्या निराली शान है, दिल तख्त पर हमें रख लिया, खुद से ऊंचा मान देकर नाम दिल पर लिख लिया, ताज तख्त। हमको अमर जागीर दी, जिंदगी जीने की हमको एक नई तदबीर दी आपने बाबा। So wonderful stories, right? 7 days. ये अच्छी स्टोरी थी ना, 7 दिन की भट्टी, एक कमरे में रहना।
बाबा ने तो हमको 2 साल घर में ही बिठाया है, तो हमने तो वो देखा है ना। तो कल शुक्रवार है और हमारा कल का सेम रहेगा, अमृत वेला से रात तक का, और 3 बार योग की भट्टी भी होगी 10-10 मिनट की। तो अभी चलो हम अपने 2 एंजल्स को बुलाते हैं जो अभी आएंगे और हमारे साथ शेयर करेंगे अपना अनुभव, होमवर्क का अनुभव जो मनमुना भाव का हम कर रहे हैं। तो आज श्रेया बहन अपना अनुभव शेयर करेंगे और मैत्री बहन उनसे पूछेंगे। तो स्वागत है मैत्री बहन और श्रेया बहन का। थैंक यू भूमि दीदी। भूमि दीदी शुक्रिया आपका। मोहिनी दीदी ओम शांति, अव्यक्ति परिवार को ओम शांति। बहुत सुंदर आपने शेयरिंग की, उसके लिए बहुत शुक्रिया। और कितना अच्छा भोग का भी आपने हमको मैसेज सुना है। श्रेया बहन आपका स्वागत है अव्यक्ति परिवार में। आपका आज बहुत अच्छा अनुभव हुआ होगा मन से सेवा करने का। तो आप अपना अनुभव हमसे शेयर करोगे कि आज योग करते हुए क्या क्या अनुभव हुए आपको, जो हमारा आज का अभ्यास था उससे आपको क्या अनुभव हुए जो आप हम सबके साथ बांटना चाहेंगे। ओम शांति सभी को, शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। सतगुरुवार के भी आप लोगों को विशेष विशेष मुबारक। तो आज का जो मेरा अभ्यास था तो सुबह अमृत वेला के लिए मैं बहुत जल्दी उठी थी, तो मैंने गुड मॉर्निंग कहा बाबा से, और जैसे ही मैं बाबा के साथ बैठी अमृत वेला में तो मुझे बहुत ऐसे शक्ति का महसूस हुआ। तो मैं जब मधुबन में थी तब भी मुझे ऐसा ही अनुभव हुआ था, ऐसा ही मुझे आज सुबह भी अनुभव हुआ। तो मैं बाबा के रूम में थी और जैसे ब्रह्म बाबा ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था, जैसे एक माँ के रूप में थी, बहुत मीठी माँ के रूप में, और शिव बाबा मुझे बहुत शक्ति दे रहे थे, बहुत दिव्य शक्ति, बहुत अलग था वो। और ऐसा महसूस हुआ कि आत्मा को सब शक्तियां मिल रही हैं। और उस अनुभव के बाद मैंने कुछ तो वही ऐसा ही अनुभव मुझे मधुबन में हुआ था और ऐसा ही मुझे आज भी हुआ। तो मैं पूरा दिन इस पे चिंतन कर रही थी कि क्यों मुझे ये ऐसा अनुभव हो रहा है अलौकिक शक्ति का। और मुझे जो महसूस हुआ कि मन से ऐसे ही सेवा होगी ना, जो बाबा मुझे अलौकिक शक्ति से भर रहे हैं, कि हम बाबा के निमित्त बच्चे हैं और हम पूरे विश्व की सेवा कर रहे हैं हमारे वाइब्रेशन से, तो वो शक्ति बाबा हमको दे रहे हैं और उससे हम सबकी सेवा कर रहे हैं, हर आत्मा की जो हमारे चारों तरफ है, कि हम निमित्त हैं, बाबा के बच्चे निमित्त हैं, तो ये वाइब्रेशंस हम चारों तरफ फैला रहे हैं, पवित्रता की वाइब्रेशन बाबा मुझे भरपूर कर रहे हैं। और फिर ये अलौकिक शक्ति से मेरा मन पूरा भर गया, बहुत अच्छा अनुभव था। तो मैत्री बहन कह रहे बहुत शक्तिशाली अनुभव था आपके, तो ऐसा ही आपका पांडव भवन में अनुभव हुआ और ऐसा ही यहाँ पे आपको हुआ। तो हम मन मना भव का जैसे अभ्यास कर रहे हैं, तो मन की ऐसी कौन सी क्षमता है, कौन सी शक्ति है जो बढ़ती है? तो आपको क्या अनुभव हो रहा है ऐसा कि जब आप मन मना भव की स्थिति में हैं, तो कौन सी ऐसी क्षमता आपकी बढ़ रही है? तो पहले दिन जो दीदी ने
होमवर्क हमको बताया था, अपने मन का समर्पण, और पहला आपका कदम है कि बाबा को मन पूरी तरह समर्पित कर दो, तो फिर हम वो जैसे बाबा, जब हम सदा याद में होते हैं, बाबा की निरंतर याद में होते हैं, तो वो जो शक्ति हमको अनुभव होती है, जो यज्ञ का कार्य करते हुए जो हमको अनुभव होता है, और बाबा ने जो हमको ये सब कार्य दिए हैं सेवा के लिए, तो वो बहन की आवाज थोड़ी कट रही है, कट कट कर आ रही है इसलिए थोड़ा, तो वो बहन कह रही है, श्रेया बहन, कि मुझे ऐसी महसूसता हुई कि हम पूरे विश्व की सेवा ऐसे कर सकते हैं अपने मन की शक्ति से। श्रेया बहन आपका स्वागत है। तो आप कल का होमवर्क हमारे लिए पढ़ना चाहेंगे? मन मनाभाव, मन मनाभाव, साइलेंस ऑफ द माइंड, मन का मौन, लेट देयर बी साइलेंस इन द माइंड, मन का मौन हो, व्यर्थ संकल्प आए ही नहीं, जैसे मुख से आवाज ना निकले वैसे व्यर्थ संकल्प ना आए, ये भी मन का मौन है। तो व्यर्थ खत्म हो जाएगा, सब समय बच जाएगा, मन के मौन से नई इन्वेंशन निकलेगी। जब कोई बात सामने आए तो अपने आत्मिक दृष्टि का नेत्र और मनमना भव का मंत्र प्रयोग करना, तो ये बात समाप्त हो जाएगी। ओम शांति। मन मना भव, मन मना भव, साइलेंस ऑफ द माइंड, मन का मौन। Let there be silence in the mind. मन का मौन हो, व्यर्थ संकल्प आए ही नहीं। Just as when, जैसे मुख से आवाज ना निकले वैसे व्यर्थ संकल्प भी ना आए, तो ये भी मन का मौन है। व्यर्थ संकल्प ना आना ये भी मन का मौन है, तो व्यर्थ खत्म हो जाएगा। Then all waste will finish. तो व्यर्थ खत्म हो जाएगा, सबका समय बच जाएगा। A new invention will be created through the silence of the mind. मन के मौन से नई इन्वेंशन निकलेगी। Whenever any situation comes in front of you, जब कोई बात सामने आए तो अपने आत्मिक दृष्टि का नेत्र और मन मनाभाव का मंत्र प्रयोग करना, तो वो बात समाप्त हो जाएगी। तो वो बात समाप्त हो जाएगी।
मन मना भव, मन का मौन। मन का मौन हो, व्यर्थ संकल्प आए ही नहीं। जैसे मुख से आवाज न निकले, वैसे व्यर्थ संकल्प न आए, यह भी मन का मौन है। तो व्यर्थ खत्म हो जाएगा, सब समय बच जाएगा। मन के मौन से नई इन्वेंशन निकलेंगी, जब कोई बात सामने आए तो अपने आत्मिक दृष्टि का नेत्र और मन मना भव का मंत्र प्रयोग करना, तो वह बात समाप्त हो जाएंगी। ओम।